पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कांट तहसील के मानपुर मुजफ्फरपुर गांव में एक जानलेवा बुखार ने ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे पिछले एक महीने में करीब 6 मौतें हो चुकी हैं, जबकि पिछले 4 दिनों में 3 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि बुखार से एक मौत और हो जाने से मृतक के घर में मातम छाया हुआ था। गांव जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में रहने वालों की कुल आबादी लगभग 3000 है, जबकि गांव वालों की माने तो हर घर में परिवार का कोई न कोई सदस्य बुखार की चपेट में है। आलम यह है कि अब गाँव में रहने वाले लोगों के दिलों में खौफ का माहौल है। पहले दिन मामूली बुखार और उसके बाद शरीर में शिद्दत का दर्द हो रहा है। गांव के पूर्व प्रधान के मुताबिक न स्वास्थ्य विभाग से कोई टीम जांच के लिए आई और न ही नगर निगम की तरफ से कोई सफाई व्यवस्था का इंतजाम हुआ है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक इस रहस्यमय बुखार से लोगों के दिल में दहशत का माहौल है। क्या नाम है आपका? आलोक बिश्नोई। आलोक जी, आपकी माता जी का देहांत हुआ है, किस वजह से देहांत हुआ? ये बुखार के कारण। किस तरह का बुखार आया था? बुखार डेंगू, डॉक्टरों ने डेंगू ही घोषित करा और उसके बाद एक डेढ़ दिन अस्पताल में रही हैं, वहाँ अपना डेथ हो गई। यहाँ तीन दिन रही हैं। कितने दिन से बुखार था उन्हें? बुखार 4 दिन रहा बस। क्या कंडीशन होती है इस बुखार में? क्या बुखार में ये कंडीशन है, पूरे शरीर को तोड़ कर रख देता है और हाथ पैरों में बिल्कुल जान ही नहीं रहती है। मतलब ये एक अजीब तरह का? हाँ, अजीब तरह का बुखार है। हाँ। अच्छा, आपके गांव में किस तरह की सुविधा है? स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम यहाँ आई? कोई टीम यहाँ नहीं आई है। किस तरह का माहौल है लोगों में? माहौल क्या, पूरा गांव पीड़ित पड़ा है बुखार के कारण। किसी के घर भी ऐसा नहीं है जो बुखार से इस टाइम पीड़ित नहीं है, पूरे गांव के अंदर। क्या चाहते हैं आप स्वास्थ्य विभाग? स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही और सरकार की भी लापरवाही। कोई यहाँ ना सरकार का आदमी आ रहा है, ना स्वास्थ्य विभाग का कोई आदमी यहाँ देखना आ रहा है। पेपर तक में हमने निकलवा दिया है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चार मौतें तो मेरे पड़ोस में हो चुकी हैं 17 तारीख से अब तक ले। सभी बुखार से हुई है ये मौत? सब बुखार से। आज भी कोई मौत हुई? हाँ, आज भी हो गई है। ये भी बुखार से ही हुई है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग, आप खुद जान लो इस चीज़ को, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है नहीं है। 17 तारीख तो मेरी माता जी को ख़त्म हुए हो गया, अभी तक 2 बार पेपर में निकलवा दिया, उसके बावजूद भी कोई यहाँ ना यहाँ हॉस्पिटल है, ना कोई सुविधा है कोई किसी बात की भी स्वास्थ्य विभाग की। प्राइवेट में क्यों लेकर गए आप सरकारी हॉस्पिटल, जब सरकारी हॉस्पिटल यहाँ है ही नहीं? अब इस वजह से ले जाना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फिकार है। ये गांव मानपुर मुजफ्फरपुर है, मैं यहां का पूर्व प्रधान हूं। किस तरह का यहां बुखार चल रहा है? कितनी मौत हो चुकी है? अजीब सा बुखार है, एक दिन बुखार आता है, अगले दिन पता नहीं रहता, इंसान बिल्कुल हो जाता है, एकदम डेथ हो जाती है उसकी। और हष्ट आदमी जितने भी ये नए नए युवक गए हैं, बिल्कुल यही पता नहीं, ये मर भी जाएगा। मतलब कोई बीमारी हो ऐसी लंबी खिचड़िया हो तो ये वो भी हो ना साफ खिचड़िया। ये इस हफ्ते में 7वीं मौत है हमारे गांव के अंदर। क्या होता है इसमें, किस तरह की बीमारी होती है? अजीब सी, मतलब एकदम से पैरों में दर्द सा होता है और उठना बैठना, मतलब हाँ बुखार आता, डॉक्टर बोलता ठीक है, अगले दिन सुबह को उसकी डेथ हो जाती है। किसी की 55 हो, किसी की 50 हो, किसी की 35-40, इससे मतलब 55 से ऊपर कोई नहीं गया है। सब नई उम्र के हैं, सब नई उम्र के जा रहे हैं। कोई नहीं आया यहाँ, एक दिन आए थे बस, वो चेकअप करके चले गए। उस दिन से बाद में उन्होंने जिनका चेकअप करा उन्हें भी नहीं बताया तुम वहाँ आइयो, दवाई लियो या मत लियो, या कुछ तुम्हें है या ना है। कितने वक्त से ये बुखार चल रहा है? ये लगभग एक महीने से, 15 दिन से तो ज़्यादा ही प्रकोप है इसका, और एक महीने से हल्का फुल्का था। गांव के अंदर कोई ऐसा नहीं बचा जिस घर में बुखार ना आया हो, या जिस घर के 40-50-60 हज़ार रुपये कोस मोस में ना लगे हों। कितनी आबादी है आपके गांव की? हमारे गांव की आबादी कुल है 3000। न कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई केंद्र सरकार नहीं, वो नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। साफ सफाई का एक कर्मचारी है, वो भी कभी हफ्ते में 10 दिन में मुश्किल से दिखाई देता किसी गली में। यहाँ 2 कर्मचारी तो कम से कम होने चाहिए,
इतनी आबादी के अंदर, और यहाँ सैनिटाइजर होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को यहाँ आना चाहिए। हमारे गांव के जो युवक जा रहे हैं, जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी देखरेख होनी चाहिए, और जो लोग चले गए उनके लिए मुआवजे की कुछ तो उन्हें आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार से थोड़ी बहुत तो वो मिलना चाहिए। दहशतगर्दी सी है एक किस्म से, दूसरा मतलब अगर दो चार मौत होगी तो एक दूसरे के उसमें दफीने में भी जाना बंद कर देंगे लोग, ये ढंग से ऐसे मौत हो रही हैं। हाँ, खौफ है। हमें जो हमारे एक गांव में मानपुर में बुखार के केसेस के संबंध में अवगत कराना है कि जो भी मौतें हुई हैं, कोई भी मौत डेंगू फीवर की वजह से नहीं हुई है। हालांकि गांव में 6 मौतों की खबर आई है, जिसमें से 3 मौतें की डेथ ऑडिट कर ली गई है, अन्य मौतों का डेथ ऑडिट चल रहा है। और पिछले 3 दिन से हमारी टीम गांव में काम कर रही है। कल चाय मैं भी गांव में ही था, और गांव में 3 केस कंफर्म हुए थे हमारी जांचों में, और 4 केसेस आज डेंगू NS1 पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी का समुचित इलाज चल रहा है, और गांव में स्थिति सामान्य होने तक कैंप चलते रहेंगे, और मलेरिया रोधी कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक कुल कितनी इसमें मौत हो चुकी है? अब तक डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है।